नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वंशिका जारपाल। कनौज के पुलिस अध्यक्ष अमित कुमार ने कहा, 29 जून 2024 को कोतवाली सदर क्षेत्र में एक व्यापारी के घर डकैती हुई। इस मामले में शामिल 7 अपराधी पहले ही जेल जा चुके हैं। हमें वांछित है अपराधियों में से एक गतिविधि और उसके वर्तमान में जेल में बंद अपने साथियों से मिलने की मंशा के बारे में जानकारी मिली थी। कोतवाली पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जलालपुर पनवारा के पास चेकिंग कर रहे थे, तभी उन्हें एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। रुकने का इशारा करने पर उसने आत्मसमर्पण करने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा ने पुलिस टीम में भी जवाबी फायरिंग की, जिससे उसके पैर में गोली लग गई। उसके पास से एक 315 बोर का देशी तमंचा, 3 जिंदा कारतूस, 2 चले हुए कारतूस और 15,200 रुपए बरामद हुए और कानूनी कार्रवाई अभी भी की जा रही है। 29 जून 2023 को थाना कोतवाली कन्नौज क्षेत्र अंतर्गत एक व्यापारी के साथ डकैती की घटना घटित हुई थी। इसमें 7 अपराधी जेल जा चुके हैं। इसमें एक अपराधी चप्पड़ पांची चल रहा था, जिसके ऊपर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। इसके मूवमेंट की सूचना प्राप्त हुई थी कि यह जो इसके अन्य साथी जो जेल में बंद है उनसे मिलने के संबंध में यहाँ से आया हुआ है। सूचना के आधार पर जलालपुर पनवारा की तरफ कोतवाली कन्नौज टीम और एवं एसओजी टीम द्वारा चेकिंग की जा रही है। वहाँ पर एक संदिग्ध व्यक्ति दिखा, जिसे रुकने का इशारा किया गया। न रुकते हुए इसने पुलिस टीम पर फायर किया। आत्मरक्षा पुलिस फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी है। इसको पुलिस टीम द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। इसके पास से एक तमंचा, 315 बोर, 3 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।